तो हेलो गाइस, तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। बट ये कोई नॉर्मल माइनक्राफ्ट नहीं होगा, इसमें हम अपने आप को देंगे चैलेंज। जैसा कि चैलेंज में होगा कि हम ना ही किसी मॉब को मारेंगे और ना ही वन नाइट सोएंगे, और हमें कैसे भी कर सर्वाइव करना है वन नाइट, और रोटेन फ्लेश को भी खाना है। और गाइस, हमारा वर्ल्ड जनरेट हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी स्पॉन है क्योंकि बगल में रिवर है और इधर यार एक केव भी है। तो चलिए फटाफट केव में जाते हैं, उससे पहले लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं और कुछ टूल्स भी बना लेते हैं। और फिर गाइस, मैंने कुछ टूल्स बनाकर इस केव के अंदर आ चुका हूँ। तो चलिए यहाँ से थोड़ा मोड़ा पार्कोर करके अंदर जाते हैं। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं पार्कोर में कितना प्रो हूँ। अब गाइस, हमें फटाफट ढूंढना है आयरन और कुछ कोल्स। उससे पहले गाइस, स्टोन तोड़कर अपने आप को कर लेते हैं अपग्रेड। और फिर गाइस, स्टोन को तोड़ते तोड़ते हमें कोल भी यहाँ पे मिल चुका है। चलिए इसे ही फटाफट माइन कर लेते हैं और यहाँ से कुछ टूल्स बनाकर निकलते हैं एक विलेज की खोज में, क्योंकि गाइस रात में हमें सोना तो है नहीं और हम किसी मॉब को तो मार नहीं सकते हैं, तो इसका कारण कि हमको पास फूड का कोई भी अच्छा रिसोर्स नहीं है। तो चलिए फट ढूंढते हैं एक विलेज। और यहाँ पर मैं अपना 100 IQ का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसके कारण ये जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरीके से मुझे दिख रही है। और फिर गाइस, ढूंढते ढूंढते यहाँ पे रात भी हो चुकी है और यहाँ पे बगल में एक रिवीन है बहुत ही बड़ी, पर मैं अभी इसके अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरे हेल्थ और जो हंगर बार है वो बहुत ज़्यादा लो है। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ना ही मुझे मेरे को कोई मॉब को मारना है और यहाँ पे मेरे हार्ट और हंगर बार है जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और तो ये चैलेंज बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो गाइस, प्लीज़ इस चैलेंज के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और सामने हमें दिख चुका है क्रीपर, और गाइस इधर तो एक स्केलेटन भी है। यहाँ से फटाफट निकलते हैं, पर गाइस यहाँ पर मैं स्प्लिट तो कर नहीं पा रहा। और फिर गाइस, मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे दिखा यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर। और गाइस, मतलब कि इसका मतलब है कि बगल में विलेज है, पर गाइस मैं यहाँ पे तो हाफ हार्ट हो चुका हूँ। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और मैं और फिर गाइस, मैं यहाँ पे रिवर क्रॉस कर आगे बढ़ ही रहा था। A few moments later. ये एक विलेज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमें एक विलेज मिल चुका है। और चलिए फटाफट इसके अंदर जाके लूट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, हमें कुछ खाने का जरूरत होगा, पर गाइस यहाँ पे हेबल्स है, यहाँ पे मतलब खाने का तो कोई टेंशन ही नहीं है अब तो। ये गाइस, मैंने कुछ हेबल्स तोड़ लिए हैं, इसके अंदर जाकर, अरे यार ये क्या झोलमाल है। ओ भाई, देख सकते हैं यहाँ पे तो यार एक होल है। चलिए फटाफट यहाँ पर कुछ ब्रेड रखे हैं, उसे भी ले लेता हूँ और खुद का ब्रेड बना के कुछ खा पी भी लेता हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पे 6 ब्रेड बना चुके हैं, तो चलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं और कुछ और भी हेबल्स को तोड़ लेते हैं। और फिर गाइस, मैंने कुछ और ब्रेड्स भी बना लिए हैं, तो चलिए फटाफट इस विलेज को करते हैं एक्सप्लोर। और फिर गाइस, मैंने सब घर को चेक कर लिया है, तो चलिए अभी एक लास्ट घर बचा है उसके अंदर भी चलते हैं। पर गाइस, वो तो झोल मोल वाला घर है और यहाँ पे फिर से मेरे साथ वही झोल हो चुका है। तो गाइस, इस घर के अंदर तो कुछ खास लूट नहीं है, यहाँ पे एक मैप मिला, तो चलिए इस मैप के अनुसार यहाँ पर बाहर निकलते हैं। और गाइस, यहाँ पे मुझे तो सोना वाला ज़ॉम्बी मिल चुका है, एकदम बोले तो अमीर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि मुझे रॉटन फ्लेश भी खाना है, तो उसके लिए मैं किसी मॉब को तो मार नहीं सकता, पर क्रीपर से तो मैं उसे फोड़वा सकता हूँ। तो गाइस, चलिए अपने काम पर लगते हैं। और गाइस, लकीली मुझे रॉटन फ्लेश भी मिल चुका है, तो चलिए फटाफट यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस रात को कैसे न कैसे कर बच बचा कर काट लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मुझे फिर से बहुत सारे जॉम्बीज और वगैरह वगैरह मिल चुके हैं, तो इन्हें ही फटाफट क्रीपर से फुड़वा कर इनकी भी हत्या कर डालते हैं। और गाइस, थोड़ा देर विस्फोट करने के बाद हमें कुछ 6 रॉटन फ्लेश मिल चुके हैं, तो चलिए इन्हें हीट करते हैं और यहाँ पे सनराइज का लुत्फ़ उठाते हैं। और गाइस, मैं यहाँ पे चैलेंज को जीत चुका हूँ, यहाँ पे सनराइज भी हो चुका है, तो इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है।